हाँ हेलो बच्चों, हाउ आर यू। तो बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। इन माय लास्ट वीडियो आई हैव डिस्कस द व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, व्हाट इज डाइपोल मोमेंट, राइट, एंड देन कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। आज हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, उसका डेरिवेशन करेंगे। दैट इज आवर टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो बच्चों, इसमें हम डेरिवेशन करेंगे। तो पहला डेरिवेशन करेंगे ऑन एक्सियल एक्सिस। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, एक्सियल एक्सिस मतलब अलोंग द लाइन। तो मान लीजिए ये आपका एक चार्ज है माइनस क्यू, राइट, और ये चार्ज है प्लस क्यू। क्लियर? एक्सियल एक्सिस मतलब इसी लाइन पे। तो मान लीजिए इसी लाइन पे एक पॉइंट यहाँ पे मैंने पी कंसीडर कर लिया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। क्लियर? ये डाइपोल है तो इसकी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी, हमने माना 2a। ठीक है, ये सेंटर मान लेते हैं, यहाँ से इसकी डिस्टेंस हो जाएगी a, यहाँ से इसकी डिस्टेंस हो जाएगी a। और बच्चों, सेंटर से इस p का डिस्टेंस हमने मान लिया r, राइट। तो हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल एक्सिस। एक्सियल एक्सिस, ये मेरा डाइपोल है, एक्सियल एक्सिस मतलब इसी लाइन पे, राइट। तो इसी लाइन पे मैंने एक पॉइंट पी मान लिया, सेंटर से उसकी डिस्टेंस आर मान लिया, और माइनस क्यू प्लस क्यू डाइपोल है, इसकी डाइपोल मोमेंट क्या होगी, पी होगी। तो मैं इसको यहाँ पर बना देता हूँ, इसकी डाइपोल मोमेंट होगी पी, पी वेक्टर, राइट। ऐसा करिए, डाइपोल मोमेंट क्या है, पी वेक्टर। पी, जैसा हमने डिस्कस किया था कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा निगेटिव टू पॉजिटिव होती है। क्लियर? डायग्राम इस क्लियर आई थिंक। तो नाउ अभी हम एक एक करके इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकालेंगे। तो पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल चार्ज क्या होता है, ई इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप। यही तो होता है, दैट वी हैव ऑलरेडी डेराइव। के का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाई माइनस क्यू जब हम लिखेंगे, तो दैट इज हम इसको ऐसा करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू माइनस क्यू हम ऐसा लिखते हैं, ओके। दैट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू, मेरा दैट इज क्यू क्या हो गया, दैट इज माइनस क्यू, माइनस मीन्स अपोजिट डायरेक्शन, बाई डिस्टेंस। डिस्टेंस यहाँ से इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये आर हो गई, ये ए हो गई, तो हम लिखेंगे आर प्लस ए का होल स्क्वायर। क्लियर? अब इसकी जो डायरेक्शन होगी, निगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है टुवार्ड्स दी चार्ज होती है। तो अगर हम दैट इज इसको हम अगर दिखाएं, दैट इज टुवार्ड्स दी चार्ज, तो हम इसमें फिगर में ऐसा दिखा सकते हैं, इसकी डायरेक्शन ये ऐसी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू इस तरह से होगी। क्लियर? अब हम ऐसा लिख सकते हैं टुवार्ड्स माइनस क्यू, टुवार्ड्स माइनस क्यू। क्लियर? इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू प्लस क्यू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई
यहाँ से इसके डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आर माइनस ए, तो आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन हो जाएगी दैट इज क्या, दैट इज अवे फ्रॉम द प्लस क्यू। इसमें हम ऐसा दिखा सकते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हो जाएगी ई प्लस क्यू, दैट इज अवे फ्रॉम प्लस क्यू, राइट। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बच्चों, ये एग्जाम में आता है 5 मार्क्स का। डेराइव द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्रेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल एक्सिस। सो एक्सियल एक्सिस मतलब इसी लाइन पे, तो ये डाइपोल है, इसी लाइन पे एक पॉइंट पी मान लिया, सेंटर से इसका डिस्टेंस आर मान लिया। ये डाइपोल का हमने सेपरेशन 2a मान लिया, सेंटर से इसका a, इसका a, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्लियर। अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पहले इससे निकाला, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, तो दैट इज के क्यू बाई डिस्टेंस मेरा आर प्लस ए होल स्क्वायर, क्लियर। और हमने यहाँ पर सिंपल भाषा में लिख दिया, इसकी जो डायरेक्शन होगी टुवार्ड्स माइनस क्यू होगी। हम यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस पी वैक्टर, माइनस पी यूनिट कैप, कैप लगा के भी लिख सकते हैं, क्लियर। इसी तरह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट इज अवे फ्रॉम दी प्लस क्यू, और उसकी वैल्यू क्या होगी, के क्यू बाई आर माइनस ए होल स्क्वायर अवे फ्रॉम दी क्यू। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं दैट इज पी कैप, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों पी कैप, और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस पी कैप, क्लियर। डायरेक्शन हम जैसे यहाँ लिखते हैं ना आर के डायरेक्शन में हम आर यूनिट कैप यूनिट वेक्टर लगा देते हैं, इसी तरह से यहाँ इसकी डायरेक्शन तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इसके द्वारा ऑपोजिट हो रहा है तो हम माइनस पी कैप इसको भी लिखते हैं इसकी जगह, और अगर अलोंग द डायरेक्शन हो रहा है तो हम पी कैप इसकी जगह लिख सकते हैं, क्लियर। तो बहुत सारे बुक्स में आपको ये मिलेंगे पी एंड माइनस पी कैप, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। तो पहले इतना आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ओके। हाँ तो बच्चों कम हियर, तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस वेरी सिंपल, दैट इज एक्सप्लेनेशन। ये आपका डायपोल का डायग्राम, वो एक्सियल एक्सिस, और हम बच्चों यहाँ ऐसा भी ले सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू था तो यहाँ हम एक माइनस लगा देंगे, राइट, और ये प्लस क्यू था तो यहाँ एक प्लस लगा देंगे, क्लियर, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। एक्चुअली ये फिजिक्स में जो माइनस होता है बच्चों वो डायरेक्शन को बताता है। अब जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि इसकी जो डायरेक्शन अपोजिट हो गई, डायपोल मोमेंट के अपोजिट हो गई, इसकी डायरेक्शन जो होगी ये डायपोल मोमेंट के अलोंग हो गई, राइट। तो हम माइनस एंड यहाँ प्लस लगा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, दोनों अपोजिट है दैट इज माइनस होगा, राइट, दैट इज जो बड़ा होगा उसे छोटा को माइनस कर देंगे, यही तो। तो बच्चों देखिए ये चार्ज सामने है, ये चार्ज इसके सामने है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। अगर डिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, मतलब इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के द्वारा अधिक है और इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के द्वारा कम है, तो यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट मीन्स दिस माइनस दिस, राइट, दिस माइनस दिस, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी इज गिवन बाई दैट इज हम ई ऐसा लिख देते हैं, नेट हो गया इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब वैल्यू पुट करके हम उसको माइनस कर देंगे, तो मैं ये मिटा रहा हूँ, पूरा ही मिटा, इसको भी मिटा रहा हूँ। तो E इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू क्या था बताइए, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
प्लस क्यू था, क्यू बाई आर माइनस ए होल स्क्वायर माइनस इसका क्या था वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज माइनस मैंने पहले लिख दिया, दैट इज क्यू बाई आर प्लस ए होल स्क्वायर, ये हो गया राइट right? और इसकी वेक्टर, इसकी जो वेक्टर थी दैट इज यूनिट वेक्टर, अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज माइनस ये थी पी कैप, ये थी पी कैप प्लस की वजह से और माइनस की वजह से थी माइनस, तो बच्चों दैट दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी राइट, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, क्लियर, प्लस क्यू का डिस्टेंस पी से आर माइनस ए था तो आर माइनस ए होल स्क्वायर और डायरेक्शन क्या थी अलोंग द डायपोल मोमेंट अलोंग द पी कैप मैंने लिख दिया, और ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू तो इसका डिस्टेंस आर प्लस ए होल स्क्वायर हो गया और इसकी जो डायरेक्शन थी अपोजिट टू डायपोल मोमेंट, अपोजिट टू डायपोल मोमेंट वेक्टर मैंने लिख दिया। अब इसको हमको सिंप्लीफाई कर देना है बच्चों, तो q बाई हम ये कॉमन ले सकते हैं ना, q बाई फोर पाई एफ साइलन नॉट मैंने कॉमन ले लिया राइट, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे वन बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर बचेगा माइनस बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा वन बाई आर प्लस ए होल स्क्वायर बचेगा और p भी मैंने p कैप भी हमने कॉमन ले लिया, ये समझ में आया, जस्ट वी टेक कॉमन ना क्यू बाई फोर पाई एफ साइल नॉट क्यू बाई फोर को बाहर निकाल दिया, यहाँ बचा वन बाई दिस, यहाँ बचा वन बाई दिस माइनस पी को मैंने बाहर निकाल लिया। अब इसको सॉल्व करिए, तो जब सॉल्व करेंगे आप तो डेट इज़ क्यू बाई फोर पाई एफ साइल नॉट राइट, नीचे हम ऐसा लिख देता हूँ आर माइनस ए होल स्क्वायर आर प्लस ए होल स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा आर प्लस ए होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए होल स्क्वायर, ये क्लियर नोट कर लेंगे बच्चों। प्लीज नोट इट डाउन, सो दैट इज इक्वल्स टू क्यू बाई फोर पाई एफ साइलन नॉट राइट, ए माइनस बी ए प्लस बी राइट, ए माइनस बी ए प्लस बी का क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और क्योंकि होल स्क्वायर है तो पुट होल स्क्वायर और ये बच्चों हो जाएगा, आप इसको ओपन करिए आर स्क्वायर प्लस टू ए आर प्लस ए स्क्वायर और ये माइनस माइनस आर स्क्वायर, यह माइनस आएगा तो माइनस माइनस मिलके प्लस टू ए आर और ये माइनस आएगा ये प्लस आएगा तो माइनस ए स्क्वायर, यही तो होगा, ये होगा बच्चों। तो देखिए ये आर स्क्वायर और आर स्क्वायर गया प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर गया तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा क्यू बाई फोर पाई एफ साइलन नॉट, ये टू ए आर प्लस टू ए आर फोर ए आर बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये मिलेगा। प्लीज़ नोट इट डाउन बच्चों, इसको नोट कर लेंगे। यस, तो बच्चों ये पी मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, यहाँ पे पी भी तो रहेगा पी कैप, यहाँ पे भी पी कैप, क्लियर। नाउ मैं इसको मिटा रहा हूँ बच्चों, यस नाउ बच्चों जैसे कि आपने आप जानते हैं कि डायपोल मोमेंट की जो परिभाषा है चार्ज इनटू डिस्टेंस दैट इज टू ए क्यू, ये डायपोल मोमेंट है, तो हम यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसको यूज कर लेंगे तो दैट इज फोर है, फोर को हम टू इंटू टू लिख सकते हैं तो टू ए क्यू यहाँ पे बचेगा टू राइट, तो टू ए क्यू की जगह
टू ए क्यू की जगह हम लिख देंगे डायपोल मोमेंट, दैट इज पी, ये मेरा डायपोल मोमेंट हो गया राइट, टू ए क्यू तो इंटू टू आर बचा, टू आर ये बचेगा और नीचे में बचेगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर और ये पी कैप ये बचेगा, क्लियर। नाउ कंडीशन लगाएंगे हम, क्या कंडीशन है नोट कर लीजिए। नाउ वी पुट द कंडीशन, कंडीशन ये है, दैट इज कंडीशन इफ आर इज फार फार ग्रेटर देन ए, आर क्या था डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम सेंटर, ए क्या था दैट इज डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम द चार्ज, तो अगर आर इज फार फार ग्रेटर देन ए देन ए स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, कैन बी नेग्लेक्टेड, ए स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, कैन बी नेग्लेक्टेड। अगर आर इज फार फार ग्रेटर देन ए, आर की अगर आर ए से काफ़ी ज़्यादा होगी तो ए स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं राइट, क्योंकि ये बहुत कम फिगर आएगी। तो ई इक्वल्स टू तो डेट इज हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे तो ये नेग्लेक्ट हो जाएगा तो आर फोर हो जाएगी राइट, दैट इज पी वेक्टर टू आर बाई आर टू द पावर फोर हो जाएगी राइट, आर टू द पावर इसको नेग्लेक्ट कर दिए तो नेग्लेक्ट करने के बाद ये आर टू टू फोर हो गया, ये पी क्या यूनिट वेक्टर। और वी कैन राइट ई इक्वल्स टू टू पी डायपोल मोमेंट बाई आर क्यूब, ये मेरा पी कैप। पी कैप राइट, प्लीज नोट इट डाउन। ओके बच्चों इसके आगे 1/4 पाई एप्सिलॉन था राइट, 1/4 पाई हमने के लिख देते हैं, वन के मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन पी था, यहाँ भी होगा 1/q का तो हमने इसमें शामिल कर दिया था राइट, तो के बाकी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी आपका आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के हम के भी लिख सकते हैं सीधे हम 4 पाई साइलन। तो देयर फोर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल एक्सिस इज इक्वल्स टू 2kp बाई आर क्यूब पी कैप, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, प्लीज नोट इट डाउन। तो बच्चों हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल एक्सिस कितना होता है 2kp बाई आर क्यूब एंड पी यूनिट वेक्टर, इस फार्मूला आपको एकदम याद कर लेना है बच्चों, चाहे डेरिवेशन आए चाहे न्यूमेरिकल्स आए। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल एक्सिस इज इक्वल्स टू 2kp बाई आर क्यूब, आर क्यूब मैंने लिख दिया तो आर यहाँ कैप लगा देंगे राइट, क्योंकि उसी डायरेक्शन पे है, और कभी कभी हम ऐसा भी लिखते हैं दैट इज और 2kp, पी मतलब डायपोल मोमेंट है राइट, आर क्यू पी कैप ये। तो बच्चों ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लिखने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट गेट कंफ्यूज कि सर यहाँ पे आर वेक्टर है कैप है यहाँ पे पी कैप है, ये कुछ नहीं है, जैसे कि हमने जो डायपोल माना था डायपोल जो पॉइंट पी माना था वो उसकी डिस्टेंस हमने आर ली थी राइट, और हमने यहाँ देखा कि एक्सियल एक्सिस में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता है उसकी डायरेक्शन अलोंग द पी कैप अलोंग पी वेक्टर होती है और टुवार्ड्स राइट होती है,
तो उसमें हम या तो पी कैप यूज़ कर लें या तो आर कैप यूज़ कर लें, यू शुड नॉट गेट कन्फ्यूज। तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। कह रहा है टू पॉइंट चार्ज ईच ऑफ 5 माइक्रोकूलम बट अपोजिट इन साइन। जैसा मैंने आपको पहले बताया डायपोल मतलब टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। तो यहाँ पे 5 माइक्रोकूलम दिया है, अपोजिट साइन है मतलब प्लस 5 माइक्रोकूलम माइनस 5 माइक्रोकूलम आर प्लेस 4 सेंटीमीटर है पार। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 4 सेंटीमीटर, यानी 2A की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है। 2A की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ इस सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर हमको कर लेना है, राइट। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट, मतलब डायपोल के मिड पॉइंट से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल। एक्सियल लाइन इज उसी लाइन पे। तो आई थिंक क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, प्लीज डू दिस क्वेश्चंस। हाँ तो बच्चों आपने कर लिया होगा। तो बच्चों एक्चुअली हमने जो फार्मूला डेराइव किया था वो था 2kp/r³ r यूनिट वेक्टर और 2kp/r³ p यूनिट वेक्टर, ओके। तो इसके पहले जो स्टेप था राइट, उसमें हमको a भी था r भी दिया हुआ था। हमने ये फार्मूला कैसे डेराइव किया, हमने ये मान लिया कंडीशन कि r इज़ फार फार ग्रेटर देन a, तो a स्क्वायर को हमने नेग्लेक्ट कर दिया था, राइट। तो इसमें अगर आप इस फार्मूले को यूज़ करेंगे तो इसमें तो ए तो है नहीं है, इसलिए इसके एक स्टेप आगे वाला फार्मूला को आपको यूज़ करना है। दैट इज़ दिस फार्मूला, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाली फार्मूला ऑन द एक्सियल एक्सिस। हम जब कंडीशन मानने के जस्ट ऊपर वाला जस्ट पहले ये था मेरा 1/4πε₀ 2πr/r² - a², ओके। 1/4πε₀ 2πr/r² - a², इसके बाद हमने कंडीशन मान लिया था तो ए स्क्वायर को नेगलेक्ट करके ये वो फार्मूला आ गई थी, राइट। लेकिन इस क्वेश्चन में a भी दिया है तो वी हैव टू यूज़ दिस फार्मूला, राइट। p क्या था, डायपोल मोमेंट चार्ज इंटू डिस्टेंस, चार्ज इंटू डिस्टेंस मैंने लिख दिया है। अब वैल्यू सबकी वैल्यू को मैंने पुट कर दिया है, राइट। सबकी वैल्यू आपको पुट करना है एंड देन यू सॉल्व इट। तो बच्चों जब भी एग्जाम में इस तरह से न्यूमेरिकल्स आते हैं फिजिक्स में तो स्टूडेंट गेट नर्वस, वो छोड़ देते हैं और सोचते हैं आंसर आएगा कि नहीं आएगा। आप मत सोचिए ये सब, आंसर आएगा कि नहीं आएगा। आप क्वेश्चन को अच्छा से पढ़िए, पहला स्टेप आप लिखिए गिवन, ये सब गिवन है बच्चों, दिस आर द गिवन, ये गिवन क्वेश्चन में ही दे रखा है गिवन भाई। चार्ज का वैल्यू दे रखा है, 2a की वैल्यू दे रखा है, तो a की वैल्यू इतनी हो गई, r की वैल्यू दे रखा है, ये गिवन हो गया। एंड देन फार्मूला कौन सा आप यूज़ करेंगे, तो दिस फार्मूला आप लिखिए, उसके बाद जस्ट आप वैल्यू पुट करिए, राइट। इतना में आपको स्टेप वाइज नंबर मिल जाएंगे फिजिक्स में, और जब उसको आप सॉल्व करेंगे तब यू विल गेट द फाइनल आंसर। इन दिस केस 10⁸ न्यूटन पर कूलम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो 10⁸ न्यूटन पर कूलम, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। तो लाइक दिस आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए, यू डू द प्रैक्टिस, मोर एंड मोर प्रैक्टिस, राइट। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। आई एम with you with a very basic concept and very easy physics, okay. So any doubt you please comment and you can chat me. So bachcho padhte rahiye, aaj ke liye itna hi, thank you.